संडे तक टेलीकास्ट कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं बुरी तरीके से, क्योंकि क्या है कि शो मस्ट गो ऑन, वो हमें देना ही पड़ेगा, हमारा टेलीकास्ट जान ही जाना, उसके ऊपर प्रेशर है चैनल का। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वर्कर्स की, इतना ज़्यादा काम करने की और एक छुट्टी भी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है ये जो हमारे अंदर जो बोलते हैं हम छुआछूत, ये छुआछूत इंडस्ट्री में बहुत है। ये होता है कि हाई लेवल है तो उनके लिए टिफिन अलग से आएगा और लो लेवल में तो उनको जनता खाना जनता अच्छा आएगा। फैक्ट्री वर्कर वगैरह में वर्कर काम करता है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जाता है इंस्पेक्टर चेकिंग करने के लिए, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ क्यों नहीं आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए, लेबर इंस्पेक्टर? द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग गर्ल्स एंड वुमेन वर्किंग इन द फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री इज द लैक ऑफ टॉयलेट्स, बिकॉज ऑफ विच देर आर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इफ यू हैव एग्रीड टू वर्क इन टीवी इंडस्ट्री प्रिसाइसली, देन योर हेल्थ इज ऑन अ स्टेक, your relationship is on a stake, your whole life is on a stake, and what we get at the end is once the show is over the life is finished. सबसे ज्यादा entertainment के यहाँ से हमारे देश को ज्यादा हम लोग टैक्स देते हैं, फिर उसका बेनिफिट हमारे वर्कर को जीरो होता है। ये सरकार आज हमारे कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना साहब, और कितने आर्टिस्ट बने, हेमा मालिनी जी, और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जितने वाइस क्राफ्ट है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, लाइट डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट है, कितने के पास घर है, कितने के पास भाड़े पे अभी तक ज़िंदगी भर रहे, मर के जाते तो उनको नसीब भी नहीं होता कपन भी। मुंबई में जितने स्टूडियोज़ हैं उन स्टूडियोज़ को पता नहीं उनको लाइसेंस मिला या नहीं मिला, उन स्टूडियो के पास ये व्यवस्था है कि वहाँ पर एक यूनिट में अगर 100 लोग होते हैं और 10 यूनिट एक साथ काम कर रही हैं, यानी 1000 लोग अगर काम कर रहे हैं तो क्या 1000 लोगों के लिए टॉयलेट्स हैं, या 1000 लोगों के लिए हेल्थ के लिए क्लिनिक्स हैं? नहीं, कहीं नहीं है, आसपास नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। गवर्नमेंट्स एटीट्यूड सो फार आई थिंक इज दैट शूटिंग मीन्स यू नो सम स्टूपिड किड्स प्लेइंग मूवी एंड टीवी एंड एंजॉयिंग देमसेल्व्स एंड यू नो दे आर जस्ट पॉल्ट्री एंटरटेनर्स। They are only needed for political campaigns or, you know, public service campaigns. इंडस्ट्री क्या, हम देश का कह रहे हैं कि प्रगति हो रही है, सब हो रहा है, हम विदेशों से अपना कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हम बेसिक फैसिलिटीज अपने लोगों को नहीं दे सकते। लेकिन आज जितने भी चैनल इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं सब तो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, अपने अपने देशों में तो इन्होंने सब कुछ अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं? 200 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्में क्या हम एक एम्बुलेंस स्टंट मैन को प्रोवाइड नहीं कर सकते?